क्या हुआ तुम्हारे को? इधर ही छे तुम। काश ये ख्वाब सच होता। यही छू मैं और तुम भी अल्लाह के वास्ते यहीं रहो। हाँ, यहाँ वहाँ के इन्फॉर्मेशन है, यहाँ वहाँ नक्को लगाओ, जो तुमको काम करना है वो काम करो। और एक और चीज, ये अलग रहने की बात नक्को करो। सब साथ में है, सब साथ में रहेंगे, समझे? और अब निदा अगर आ गई, खुदाना खास्ता नियाना अगर आ गई, तो तुम तुम्हारी जगह रहो, पूरे घर को लेके चलो, फसाद नक्को करो तुम भी, ठीक है? और मैं भी अब तुम्हारे से गुजारिश कर रही हूँ, अगर तुम ये जो अल्फाज अभी बोले ना, निदा अगर इधर आ गई तो, मैं कुछ भी नहीं बोलना, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि निदा इधर आने की नौबत नक्को आने दो। आप घर के बड़े बेटे हैं ना, तो उसका फर्ज थोड़ा अदा करो और मेरी थोड़ी सी साइड लो। देखो, वो चीज़ में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो भी है अल्लाह बड़ा बादशाह है, उन्हें देखने वाला है। तुम तुम्हारे काम से मतलब रखो मेरी अम्मा, जाओ और मेरे को सुकून से बैठना था। आओ ना, कुछ भी न्यूज़ लेके। जी जी जी, वैसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए। खाप में मारे थे, सही माना तो। वो निदा के ससुरे का की हुआ कहते हॉस्पिटल में है कहते, अम्मा फोन करे थे। हाँ, बच्ची फोन करी थी, कि बीपी वगैरह बढ़ गई कहते, तबीयत जरा खराब है बेचारों की। ऐसा क्या बोल दिया कि बीपी हाई हो गई, हॉस्पिटल चले गए? आपको कौन बोले? आपकी बेगम बोले होंगे, नहीं कोई दूसरे तो नहीं है बोलने वाले, इन्हें तो यहीं बैठे हुए थे, नहीं बगल में घुस के हल्लू बोले होंगे, नहीं खिस 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 खिस। कहाँ थी गिड्डी बदख, कहाँ से सुनी आखिर? मैंने जो नहीं देखी, कहाँ से सुने बेटा, मायरा बेटा जरा बोलो आप, ऐसा कौन से घर को जो छोड़े तुम अंगारने लगा के? हाँ? और तुम बड़े यूं कर लेते हैं कि पूछ रहे? नहीं मैं पूछा भैया, ऐसा हुआ कहते हादसा तो क्या करेंगे? मैं सामने बैठ के नहीं पूछ सकते, तुम्हारे अम्मा को तुम अंदर से आके पूछते। होगा ना, नो बगर चमचे के बगर साला नहीं पकता ना, वही आलम है। मेरी छोंपड़ी। हाँ? क्या पड़ी? मेरी छोंपड़ी घर की फिकर करने की, वो बोल रहा हूँ। अरे जानदे भाई, अब क्या करना है वो सोचो। कुछ नहीं करना है, समझ में आ रहा? तुम बड़ा तीर मारते, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं भैया, अब इतना बड़ा हादसा हो गया, अब उनके घर वाले खानदान वाले आके पूछे तो क्या जवाब देंगे अपन? आए जब मैं बात कर लेती हूँ, तुम बात करने की जरूरत नहीं है, वहाँ गिड्डी को देख लेके जियो तुम खामोश। ये बात करके उन्होंने तमाशा कर दिया बेटा घर में। वो क्या बोलूँ मैं बेचारों की तबीयत कैसी है, क्या नहीं, मेरे को मुंह भी नहीं हो रहा फोन करके पूछने को, भाई तुम्हारी तबीयत क्या है कैसी है। मरे तो फोन आ जाता, अगर आए लड़ने झगड़ने कुछ भी रहने दो, आन दो, मैं हूं ना, मैं बात कर लेती हूँ। हिम्मत है तुम्हारे? आमिर भाई नजीर भाई, नजीर भाई क्या आवाज़ है भाई? सलाम है नजीर भाई। सलाम, आइए ना नजीर भाई, यहाँ तक आ गए वही बहुत है। नहीं भाई अंदर आइए, बाहर लोगों अच्छा तमाशा हो जाएंगे, अच्छा नहीं रहता। अंदर आइए भाई जरा प्लीज, मैं आपसे आजीजी कर रहा हूँ भाई, आइए प्लीज भाई, आइए भैया। कैसी है भाई तबीयत? दिख रहा नहीं, दिख रहा वही बच्ची बोली थी फोन करके, मगर पानी मंगाऊं भाई? तुम्हारे घर का पानी या कि हवा भी नहीं होना बोल के ऑक्सीजन ला लियो। सही है, मगर मैं क्या बोलूं? और तुम पर तो साले गिले किसको गिन रहे थे? और तुम्हारी बीवी फोन करके जैसे क्या की बक रहे? क्या जो हक की बात है वो कर रहे थे? नहीं करते, आपको बात करने का तरीका नहीं है। और तुम बात करना है तो मेरे से करा करो फोन पे, तुम्हारी बीवी से मत करा करो। नहीं हमें ऐसा जोरू के गुलामों के ऐसा कब तक करेंगे? मैं तुम्हारा नहीं है या जोरू के गुलाम? मेरे को तो 100% मालूम थी, तुम्हारा बेटा भी जोरू का गुलाम, इन्हों भी जोरू के गुलाम। अरे अंकल क्या बात कर रहे हैं आप, जोरू का गुलाम क्या बात कर रहे? अरे चुप बैठो ना, अभी बोला ना जोरू के गुलाम है तुम। नहीं नहीं पल्लो में रहते, आप ऐसी बात नहीं करना भाई। आप देखो मेरे को बोले बोले जोरू का गुलाम चल रहा था, हमारे भाव को नहीं बोलना ऐसा। इन्हों भी जोरू के गुलाम, सामने बोल रहा हूं। नहीं नहीं ये आप सामने नहीं नहीं ये बदतमीजी नहीं करना, अभी गलत तरीका है आपका। बदतमीजी बोलते इसको, मेरे को नहीं मालूम क्या बोलते इसको। अरे जो है सब बोल रहा हूँ जोरू के गुलाम है जो तुम लोग पूरा जोरू के गुलामों का खानदान। कोई नहीं है, तेरी वजह से हो रहा है ये सब बदनाम की मालूम हो। इधर उधर से मैं कई को बोल रहे थे तुम अंकल, आप कई को है क्या मामला है बोल दो, किस्सा खत्म करो भाई, आके चुप हमारे खानदान में आग नको लगाओ। हमारी बेटी कोई बोझ नहीं है हमारे ऊपर, समझ में आ रहा ना आप? अरे बड़े बात है नको करो, मैं ठहरो तुम्हारी बच्ची को साथ लाया देखो, रख लो रहने दियो। देखो भाई ऐसा नको बोलो भाई। नहीं भाई वैसा
क्या बोलूं मैं, मुझे अल्फाज नहीं आ रहे। अल्फाज कहां से आते तुम्हारे, बैठे रहेगा तुम्हारे साथ में। आदमी हमारा खामोश तबीयत का है, इस से मेरे को बोलना पड़ता ना, इसलिए आप फोन करके मेरे को ले आए हो। क्या क्या किधर की किधर तुम क्या की बात कराओ, इनसे कराना है नेक्स्ट टाइम, मेरे को तुम फोन फोन नहीं करना। कई गुने करते बराबर करते, बच्ची को दिए हम। जरा ठहरो बेगम, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम लोगों के घर को आते छाछ भर जाए। हमारी बच्ची को भी बोझ नहीं है हमारे ऊपर। हाँ देखो, जैसा झाड़ है वैसा फल लगता, नीम के झाड़ को निम्बोली लगती, आम नहीं लगता। खा लेते बैठो, तुम भी जाते कहते जेल को, किसको भी जाते जेल को, किसको बोले अंकुश बोले, हमारा आधा खानदान जेल में है और आधा बाहर। ये जो उम्मीद थी मेरे को। हाँ क्या उम्मीद थी तुम्हारे को, ऐसा था बोल के हम लोग अच्छे खानदान के समझ रहे ना, यहाँ आते सांस फूल जा रही, उखड़ने जा रही। क्या बोलो जी, ये आदमी को बोलो मैं तो भी काम का हूँ, ये आदमी बेकार, तुम्हारी वो बात सुन लेते बैठता, बेटा भी वैसी मरद भी वैसी। क्या सुनते, क्या सुनते, नहीं सुनते। अरे मैं देखा ना जी, तुम्हारा बेटा भी वैसी बात सुनता पल्लो में घुस के। सुन ले तो जी, तुम्हारा क्या जा रहा है ये बोलो। वो हमारे पास कर रही तुम्हारी बच्ची, बस तू चाय बनाओ बोला तो मुंह धो के आके चाय के वास्ते इंतजार कर रहा हूँ। तेरी चुनरिया दिल ले गई कते, तुम्हारे जबान की वजह से हो रहा बेगम। मैं भी बोल रही हूँ, तरबियत सिखा के सिखाए पहले, तुम्हें को क्या बोले जी परसों, सब बोल दिया भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं सब कर दिए बोले। वहाँ के क्या नाटक है तुम्हारे बच्ची के। मैं बोला ना बेटे तुम्हारे को तमीज में रहो बोल के। तमीज में तुम, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहू, तुम्हारा बेटा, ये बेटी तमीज में रहते। जब पहली बार हम देखने आए थे ना, क्या फूल की तरह बात करे, पूछो न को जाओ, आखिर में उठा के ऐसा दिए पूरा घर को जलजला बना दिया हमारे। कुछ भी नहीं बना, बच्ची को हम फूल भेजे थे, फूल था कि मगर गनेर का फूल है। तुम्हारे कुछ सुबरा तो हम क्या करना, हमारी बेटी को रख के जज बोल रहे हैं हम तुम्हारे। इसलिए फोन करे परसों तो वही बात करे, फिर क्या क्या सीखा के भिजाए बोल के लेके आया वापस। अब रहने ये फूल तुम्हारा, तुम्हारे को मुबारक। रहने दियो, हमारा फूल है ना, हम रख लेते। नहीं वो गल्ला अच्छा। अरे तुम चुप बैठो मिया, तुम क्या 2 रुपया गुलाम, सदा पल्लो में रहते तुम। अरे तुम क्या दूर है, तुम भी वही से सामने बैठे ना, मैं सामने बोल रहा हूँ तुम्हारे। देखो अंकल हम क्या है, आपके पास हमारी घर की बच्ची है बोल के हम ना सुन रहे, तो आप सुनाते जा रहे आप। अरे सुना रहा तो हकीकत सामने बोल के सुना रहा हूँ तुम्हारे। क्या हकीकत, काम के नहीं, धाम के नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारे बाबा बोलते सदा बेकार पड़े हुए रहते बोल के। दो है क्या करे, देखे डाले घर का इनके सामने वो भी नहीं। तुम्हारी बेटी को पूछो वो बात। क्या पूछो जी, मेरी बच्ची तो हीरी है, हीरी। जान दो जी बा, आते दम चढ़ रहा मेरे को, क्या करना समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करना, हाँ क्या बोले, दम चढ़ रहा बोल के बोल रहे हैं, जरा आराम से बात करो भाई। देखो पहले मेरा बीपी हाई हो रहा इसलिए ऑक्सीजन लेके आया, तुम्हारे घर में अब तक बैठे जब से पानी भी नहीं पिया तो समझ जाओ, जरूरत नहीं है जी तुम्हारे घर की हवा भी नको, इसलिए ऑक्सीजन ला लिया। अब ये क्या करना, तुम्हारे तोहफे को ले जाना, रख के जाना, क्या करना। कोई हमारी बच्ची बोझ भी नहीं है हमारे ऊपर। देखो 3 दिन का टाइम तुम्हारे को दे रहा हूँ, तमीज सीख लो, अखलाक सीख लो, और 3 दिन का टाइम तुम्हारी बच्ची को दे रहा हूँ, उसको अखलाक और तमीज सिखाओ, 7वें दिन बच्ची को भिजाओ। समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आया फूलों में पेपर रख के तुम्हारे घर को भिजा देता हूँ। अल्लाह हाफिज भाई, ऐसा नको बोलो भाई, अब खुदा हाफिज जस्ट चिल। जा सकते, कोई जैसे टेंशन नहीं है, हमारी बच्ची कोई बोझ नहीं है हमारे ऊपर, समझ में आ रहा ना, तो कोई अपने सीने पे है समझ। क्या आवाज ही तुम्हारे को, एक से एक पयामत है, कितनी खूबसूरत है मेरी बच्ची। उन्हों क्या बोल के गए सुने, जस्ट चिल बोले, मगर चिल्ली कहाँ कहाँ लगी हमारे को मालूम है। तुम्हारे को लगती, हम मेरे को तो नहीं लगी ना, मैं मेरा बोल रही हूँ। अरे जरा तुम ला छोड़ो भाई, अब उसका क्या करना है बोलो, रो लेते बैठे उसकी जिंदगी अब रोड पे आ गई। तू टेंशन न कर ले, मैं अमेरिका में करके देती मेरी बच्ची को, खाली उतरे तो फूला बैठे तो फूला मेरी बच्ची। उन्होंने एक गाने पे तेरास करे, कई गाने गा लेते, उतरती मेरी बच्ची अब।